दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय चाणक्य IAS Academy, 29 years of excellence, more than 5,000 selections in IAS, IFS, IPS and so on. Admissions open. For more information, contact 7303763540. मंडी शहर के साहित्यकार डॉक्टर दिनेश धर्मपाल की आत्मा परमात्मा पुस्तक कविताएं और सद्विचार सूक्तियां तीन पुस्तकों का विमोचन SDM मंडी रितिका जिंदल ने किया। यह पुस्तक श्री सशक्तिकरण और आत्म अवलोकन पर आधारित कविताओं से संबंधित है। डॉक्टर दिनेश धर्मपाल ने बताया, अब तक उनके द्वारा लिखित 70 पुस्तकें छप चुकी हैं और अब उनकी तीन और पुस्तकें नई प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही उनकी पुस्तक मैं आधी आबादी कुछ समय के बाद प्रकाशित की जाएगी और इसमें विशेष महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर प्रकाश डाला जा रहा है। उन्होंने बताया 23 फरवरी को दिनेश धर्मपाल द्वारा लिखित कहानियों पर आधारित नाटक अपनी शर्तों पर का मंचन सांस्कृतिक सदन में किया जाएगा। डॉक्टर धर्मपाल को सेवानिवृत्त प्रोफेसर बल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी, आज रितिका जिंदल SDM के हाथों तीन पुस्तकों का एक साथ लोकार्पण हुआ। एक पुस्तक तो अभी कुछ देर पहले ही प्रकाशित होकर आया, जिसकी डिजाइनिंग, जिसका लेआउट, जिसका लेखन, जिसका मुद्रण सब मैंने ही किया है। ये मेरे लिए एक बड़ा आश्चर्य और गौरव का क्षण है कि अपने हाथों से तैयार की एक मुकम्मल किताब आत्मा परमात्मा आज एक अच्छे हाथों से रिलीज हुई। और इसके अतिरिक्त एक पुस्तक थॉट्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि मेरी सारी कृतियों से चुनिंदा विचार एक प्रकाशक ने अभिषेक मिश्रा ने संकलित किए हैं, मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। और जो दूसरी पुस्तक है वो मेरी कविताओं को लेकर के है, जो 55 साल पहले की रचनाएं हैं। 55 साल पहले तो ये बड़ा आश्चर्य का लगा मुझे भी, कितनी पुरानी रचनाएं छपनी चाहिए कि नहीं छपनी चाहिए। तो प्रकाशक का ये मत था कि छपनी चाहिए, क्योंकि अपना लिखा हुआ कार्य है वो प्रकाश में आना चाहिए। तो इससे पहले भी मुझे ये गौरव हासिल हुआ कि उनके हाथों से पहले भी दो पुस्तकों का, दिनेश धर्मपाल की प्रतिनिधि कविताएँ और इस तरह की एक और पुस्तक का लोकार्पण उन्हीं के हाथों से हुआ। और बहुत जल्दी मैं आधी आबादी, जो मैंने चार अधिकारियों को डेडिकेट की है, क्योंकि एक नया अनुभव मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूँ कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो जन जीवन से जुड़े हुए हैं, जिनमें जितेंद्र सोनी है जो आजकल डिविजनल कमिश्नर है राजस्थान में, जिनमें शालिनी अग्निहोत्री हैं, जिनमें रितिका हैं, जिनमें पुनीत रघु हैं। तो उनको मैंने वो समर्पित इस उद्देश्य से की है कि इनका जुड़ाव जनता के साथ अप्रतिम है और ये एक नया दृष्टिकोण भारतीय समाज में प्रवेश कर रहा है, जो बहुत ही स्तुत्य है, बहुत ही प्रशंसनीय है और इसके आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम देखने को आएंगे, ऐसा मुझे आशा है। बहुत जल्दी मेरी अगली किताब का लोकार्पण होगा और तब मैं कोशिश करूंगा कि इन अधिकारियों के साथ, सभी अधिकारियों के बीच में उस किताब को लाऊं, क्योंकि वो बहुत बड़ी किताब है, कुछ 450 पृष्ठ की किताब है, मैं आधी आबादी। तो उसमें जो एक आधी आबादी की एक परिकल्पना और उनके साथ किस प्रकार का एक परिवर्तन धर्मी दृष्टिकोण आज। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सुकलानी की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स मिस हिमाचल 2023, ब्रॉट टू यू बाय अर्ली यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। प्रतिभा और ग्लैमर की एक शानदार सौंदर्य प्रतियोगिता। प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू, विजेताओं को मिलेगा 1,00,000 तक का कैश प्राइज। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और फॉलो करें मिस हिमाचल फेसबुक और मिस हिमाचल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर। मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी,
पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल केयर, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर वेलवेट क्लार्क्स एक्सोटिका जीरकपुर, रेडियो पार्टनर बिग एफएम 89.0.